नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ। तो आज की शुरुआत इस अदरक और इलायची वाली चाय से हो रही है। मुझे लगता है कि खाना और नाश्ता आसान होता है और डीप क्लीनिंग जो होती है थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये बेहद ज़रूरी होती है। और आप खाना बनाने कुकिंग करने से पहले चूल्हे को अच्छे से नीट एंड क्लीन ज़रूर करते होंगे। और मैं यहाँ पे डीपली क्लीन करने के बाद कुछ इस तरीके से अपने चूल्हे को साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरा बनेगा डिनर, जो कि हमने पूरे किचन को फ्रेश कर लिया है। और यहाँ तो जी, जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है तो घर में खड़े मसाले, जीरा, हल्दी, ये सारे खरीद करके धुल करके सुखा लिए जाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमने ओवरनाइट हल्दी को भिंगो के रखा था और इस तरीके से स्लाइस में कट करके अब ये मिक्सी जार में पीस के रखा जाएगा। अब ये मैं दिखा रही हूँ, ये कुछ सूट के पीसेस, तो हमने यहाँ पे दो सूट के पीस सेलेक्ट किया है, जो कि मुझे ये दोनों कलर बहुत अच्छे लगे और हमने ले लिया। तो शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद ये है रास्ते के कुछ क्लिप, जो कि मेरा बेटा और मैं रास्ते में ऑटो बुक करके हम लोग घर वापस आ रहे थे। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं किसके लिए सूट पीस ली थी, तो मेरी हाउस हेल्पर के लिए हमने दो सूट के पीस लिया था, जो कि मेरी काम थोड़ी आसान हो जाती है। ये बहुत अच्छे से सारे काम देखती हैं और मेरी हेल्प बहुत अच्छे से, तो मैं कभी कभी इन लोगों को थोड़ा सा अच्छा फील कराती रहती हूँ। भाई, इन लोग की वजह से हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। और ये है पांडेपुर स्थित मंगलम साड़ी घर, जो कि बहुत ही अच्छा कलेक्शन यहाँ पे लहंगे का, साड़ी, सूट का मिल जाता है। और ये हमारा लोकल मार्केट है पांडेपुर में, जो कि यहाँ पे रेंज भी बहुत अच्छा होता है। आपको 1500 से स्टार्टिंग लहंगे के कलेक्शन और सूट पीस भी मिलेंगे, आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो ये है कुछ रेडीमेड साड़ी, जो कि इस तरीके से इसका डिज़ाइन था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो लेने के बाद मैं चलती हूँ बिलिंग करवाने। और ये मैं आ गई हूँ, एक है विकास, जो कि वो भी मेरा हाउस हेल्पर है, और मैं उसके लिए यहाँ पे पजामा कुर्ता ले रही हूँ, और उसको बहुत पसंद था, बहुत मन था पहनने के लिए। तो मैं ये सारी चीज़ें ले करके बिल उल करवा करके घर वापस आ गई हूँ। ये लोग मेरा बहुत हेल्प करते हैं और मैं बहुत खुश रहती हूँ लोगों से। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ मेरे DIY होम डेकोर, जो कि मैं खुद बनाई हूँ। आप ये रिंग्स वाला जो देखे थे, ये हमने खुद से ही क्रिएट किया था और बहुत सुंदर लग रहा था ये वॉल पे। और ये मैं कुछ प्लांटर अपने घर में लगा रखी थी, गर्मी के दिनों में इसकी बहुत बुरी हालत हो गई। मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी कि बहुत कोशिश की बचाने के लिए, पर ये बचा नहीं। और इसके लिए मुझे ना बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि ये है क्या। तो ये है PVC पाइप, हमने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से, और ये बहुत ही खूबसूरत, जैसे आपको बर्थडे का डेकोरेशन करना है या कोई पूजा पाठ में डेकोरेशन कराना है, तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन था। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।